यमुनानगर में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटे यात्री में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया से लौटे यात्री के 7 दिन पूरे होने के बाद कोरोना जांच कराई गई थी, तो वहीं उसके संपर्क में आने वाले परिवार के लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 3 और कोरोना संक्रमित मिले थे। 30 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग ने नए वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल लैब में भिजवाए थे। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने 30 दिसंबर को 8 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे थे। इनमें से 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस 4 केसेस जो है ऑस्ट्रेलिया से जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री थी वो हमारे कल पॉजिटिव आए हैं। तो इस तरह से जिले में टोटल 7 केसेस हमारे ओमिक्रॉन के भी पॉजिटिव आए हैं, जबकि अब तक टोटल इंटरनेशनल पैसेंजर हमारे पास 1141 आए हैं, जिनमें 316 हाई रिस्क कंट्री से और 825 जो है वो लो रिस्क कंट्री से ट्रेवल की हिस्ट्री है। इनमें से 208 लोगों के सैंपल हो चुके हैं 8वें दिन और 174 की हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है। 165 रिपोर्ट हमारी नेगेटिव आई है और 9 की जो रिपोर्ट पॉजिटिव थी और हमने उनके सैंपल भिजवाए थे, जिनमें से 11 जो टोटल सैंपल हमने ओमिक्रॉन के लिए भिजवाए थे उनमें से 7 हमारे जो सैंपल वो ओमिक्रॉन के लिए पॉजिटिव आए हैं। ये अभी तक ताज़ा स्थिति है ओमिक्रॉन को और जो है वो कोविड केसेस को लेकर यमुनानगर जिले की। नगर में हमारे कल 10 सैंपल जो है वो जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, परसों हमारे 19 केसेस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो 1 तारीख से लगातार जो है वो केसेस यमुनानगर में भी बाकी जिलों की तरह और प्रदेश की तरह बढ़ रहे हैं। जहाँ तक दिसंबर की बात है, दिसंबर में हमने ऑन एन एवरेज 1687 सैंपल पर डे के हिसाब से सैंपलिंग की थी और उसमें कुल हमारे पूरे महीने में 47 केसेस ही पॉजिटिव आए थे। एक दो इस तरह से केसेस पॉजिटिव आए थे, लेकिन 1 जनवरी के बाद लगातार केसेस की तादाद बढ़ रही है। आज जो हमारे ज़िले में टोटल हमारे पास 65 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 38 केसेस हमारे हॉस्पिटलाइज्ड हैं और 27 केसेस होम आइसोलेशन में हैं। स्थिति सबकी ठीक है, कोई गंभीर नहीं है, लेकिन लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं ये एक चिंता का विषय है। इसमें हमारे पास टोटल जो है वो 7 केसेस जो है ओमिक्रॉन के भी पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 3 केस हमारे पहले पॉजिटिव आए थे जो नीदरलैंड से आए थे, उनमें एक दंपत्ति थे और उनके साथ एक परिवार का सदस्य था जो पॉजिटिव हुआ था। वो तीनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। बता दें कि यमुनानगर में कुछ दिनों पहले ही ओमिक्रॉन के 3 मामले सामने आए थे, लेकिन अब वो स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। तो वहीं अब भी कोरोना के 65 एक्टिव मामले यमुनानगर जिले में हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोविड नियमों के प्रति सतर्कता बरतने की अपील की है। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।